नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के दिन सुहागिन महिलाओं को कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, और अगर आप ये काम करते हैं तो इससे आपके जीवन में काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत देश में सबसे प्रचलित त्यौहार है नवरात्रि, और यह साल में 2 बार मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे भारत में लगातार 9 दिनों तक मनाया जाता है। दरअसल इस त्यौहार को दुर्गा माँ का त्यौहार भी कहा जाता है, और लोग इस दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। तो ज्योतिषचार्यों का कहना है कि अगर सुहागिन महिलाएं इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती हैं तो अपने घर में नवरात्रि के दिनों में कुछ चीज़ों को भूलकर ना करें, और नवरात्रि में कुछ चीज़ों का सेवन करना भी बहुत अपशकुन माना जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है, नवरात्रि के 9 दिनों में सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा, सुहागिन महिलाओं को 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए। तीसरा, व्रत रखने वाली महिलाओं को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। तो अगर हम नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हैं या फिर अखंड ज्योति जला रही हैं तो इसके लिए इन दिनों घर को खाली छोड़कर ना जाएं। पांचवा, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। छठा, इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएँ। सातवा, 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और साथ ही 9 दिनों तक मांग अवश्य भरनी चाहिए। नौवा, व्रत रखने वाली महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। दसवा, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो में बता दिया है ऐसे 10 काम जो सुहागिन महिलाओं को नहीं करने चाहिए भूल कर भी नवरात्रि के दिन। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे खुशहाल जिंदगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और हमारी शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।